जिस किसी भी पाइंडियस के पास 200-300 पाई के कॉइन्स हैं, उन सभी की लाइफ 2023 के अंदर बदलने वाली है। हाँ दोस्तों, आप सब ने सही सुना, इस वाली स्टेटमेंट को मैं आप सभी को प्रूफ करके दिखाऊंगा विद प्रूफ, और उसके साथ इंटरनेशनल लेवल पे अभी क्या क्या चल रहा है वो सभी अपडेट्स भी कवर किए जाएंगे। और सारी चीज़ें एक ही चीज़ पर डिपेंड होती है कि पाई नेटवर्क का क्या प्राइस होगा, क्योंकि जब पाई नेटवर्क का प्राइस बहुत ज़्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिलेगा, तभी सारी चीज़ें ईजिली पॉसिबल हो पाएंगी। और उसके साथ आप सभी की सिक्योरिटी को लेके एक अपडेट आ चुका है, अगर आप ऐसी गलती करोगे तो आपका जितने भी पाई कॉइन्स आपने माइन करे हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे और आपका अकाउंट भी आपके हाथ से खो सकता है। तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी, सारी जानकारी आज की इस वाली वीडियो में दूंगा। और पाई नेटवर्क को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है सभी के माइंड में कि क्या ये फ्यूचर में हमें फ्यूचरिस्टिक बना सकता है, ग्रोथ दे सकता है कि नहीं, ये स्कैम है क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप सभी को क्रिप्टो के अपडेट्स देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर पाई नेटवर्क को सपोर्ट किया जा रहा है, और ऐसा एक कंट्री के साथ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ है। और उसके साथ यहां पे आप सभी के अकाउंट्स को लेके आ चुका है, बी केयरफुल, डोंट क्लिक ऑन अनफैमिलियर लिंक्स एंड डोंट रिवील योर पाई पास फ्रेज एनीवेयर एंड टू एनीवन। तो यहाँ पे आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किसी भी लिंक पे, अननोन लिंक पे जो आपको पता नहीं है या आप सभी को कोई मैसेज वगैरह आते हैं तो उन सभी चीज़ों को आप सभी को इग्नोर करना है। और आप सभी से कहीं पर भी पास फ्रेज पूछा जाता है, 24 कैरेक्टर्स का जो आपका पासवर्ड होता है, अगर वो पूछा जा रहा है तो कहीं पर भी फिल मत करना, क्योंकि जो पाई वॉलेट है वहाँ पे जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम उसकी ज़रूरत होती है, उसके बाद उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑफिशियली आपसे पाई नेटवर्क कभी भी ये चीज़ें नहीं पूछता, अगर पूछ रहा है तो आप समझ जाना कि ये बेसिकली एक तरीके से स्कैम है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप सभी को देखने को मिलेगी, जैसा कि इस टाइप के इन्होंने गूगल फॉर्म्स वगैरह भी क्रिएट कर रखे हैं जिसके अंदर आपकी ईमेल आईडी मांगते हैं, और उसके साथ यहाँ पर आप सभी से पूछते हैं कि आपके क्या प्रॉब्लम है, क्या आपकी KYC पेंडिंग है या माइग्रेशन डिले है या स्लो माइनिंग हो रही है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपसे पूछते हैं, तो आप सोचते हो कि यार ये क्या पता गूगल का फॉर्म बना के, मतलब कि रियल पाई नेटवर्क ने हमें दिया है, जिसमें होगा क्या कि हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, अपने पासवर्ड्स भी डालेंगे, ये लास्ट में आपसे पासवर्ड्स भी पूछेंगे, ठीक है। तो उसके बाद होगा क्या ना, जब सबमिट करने से पहले आपसे पासवर्ड वगैरह ही पूछ लेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह ही पूछ लेंगे। तो प्रॉब्लम से तो उनको कोई मतलब नहीं है, आपका आईडी पासवर्ड आ गया सिंपल, तुरंत आपका लॉगिन करके आपके सारे पाई कॉइंस अपने अकाउंट में कर लेंगे। तो क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या नॉर्मल भी कभी इन्वेस्टमेंट करते हो तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, तो इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है। गाइस अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि पाई ब्रिजेस के फाउंडर की तरफ से आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है, आई वॉज ऑनर टू पार्टिसिपेट इन द एंजल इन्वेस्टर इवेंट इन द Web3 एरा। तो बेसिकली जो Web3 का एरा होने वाला है एंजल इन्वेस्टर्स का, जो बहुत ही पॉपुलर है, तो उनके साथ बेसिकली पाई नेटवर्क के जो CEO हैं ब्रिजेस के, वो इस चीज़ को ज्वाइन करेंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, ये फीचर गेस्ट यहाँ पे किया गया है विक्टर करके, ठीक है, यहाँ पे फाउंडर भी लिखा पड़ा है। और उसके साथ मैं आपको दिखा दूँ तो कौन कौन सी कम्युनिटीज़ यहाँ पे आने वाली है, तो बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलने वाली है, जैसे कि ऑनर्स हो गया, कॉइन इन हो गया, कॉइन बे हो गया, ठीक है, BSC हो गया, Web3 स्पेस हो गया। आप सभी नीचे देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो वर्ल्ड के जितनी भी जो डिफरेंट डिफरेंट लाइक Web3 के अंदर काम करते हैं, ब्लॉकचेन्स के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिससे क्या होगा कि पाई नेटवर्क भी अपने आप को फीचर कर पाएगा। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के प्राइस के बारे में, क्योंकि प्राइस के हिसाब से सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी भी क्रिप्टो के अंदर, या किसी भी चीज़ की जो ग्रोथ होती है उसके प्राइस के हिसाब से ही होती है। तो ये जो आर्टिकल आ चुका है, इस वाले आर्टिकल के अंदर एक एक्सचेंज की बात की जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है पाई नेटवर्क IOU सर्च टू 37.9 के ऑन एथलेंटिक एक्सचेंज, एक एक्सचेंज है जिसका नाम है एथलेंटिक एक्सचेंज, जिसपे अभी करेंटली हम प्राइस की बात करें तो 1 पाई का जो प्राइस है $37,000 है। $37,000 का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है, अराउंड 30 लाख से प्लस का अमाउंट अभी एक पाई का चल रहा है। और उसके साथ अलग अलग आप एक्सचेंजेस पे देखोगे तो कहीं पे $40, कहीं पे $50, कहीं पे $100, ऐसा भी आप सभी को देखने को मिलता है। और स्टार्टिंग में जब लास्ट ईयर ये आया था, जब ये
अनऑफिशियल तरीके से लॉन्च वगैरह हुआ था, तो उस टाइम पे भी इसके प्राइसिंग की हम बात करें तो बहुत ही कम समय के अंदर एक बहुत ही बड़ा नंबर इन्होंने अचीव कर लिया था, और एथलेटिक एक्सचेंज के अंदर $70,000 इसका प्राइस गया था। ठीक है, तो बेसिकली इसके पीछे की क्या रियलिटी है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये है, जो भी आप सभी किसी भी वेबसाइट पे किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे पाई नेटवर्क के प्राइजेस देख रहे हो, सारी जगह पे फेक है, कोई भी रियल नहीं है, और वहाँ पे जाके आपको ट्रेडिंग वगैरह नहीं करनी। वहाँ पे ऐसा नहीं ट्रेडिंग वगैरह हो नहीं रही है, ट्रेडिंग वगैरह भी हो रही है, लोग वहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ जो प्राइजेस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, और जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस की बात करें, यूबी ग्लोबल है, या जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं या जो न्यूज़ मैगजीन्स कवर करते हैं, वो सब भी इस चीज़ को फीचर कर रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में कि यहाँ पे प्राइस अप हो गया, यहाँ पे प्राइस डाउन हो गया। तो इसी चक्कर में देखो ये आर्टिकल भी पब्लिश किया गया है। अब हम बात करते हैं रियलिटी क्या है पाई नेटवर्क के प्राइस की। सबसे ज़रूरी चीज़ है पाई नेटवर्क की माइनिंग। पाई नेटवर्क की जैसे ही माइनिंग प्रॉपर तरीके से रुक जाएगी, उसके बाद से ही आप सभी को इसका एक अच्छा वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। वो वैल्यूएशन तभी देखने को मिलेगा जब इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी। ऑफिशियल जैसी लॉन्चिंग इसकी करी जाएगी, तो उसके बाद से जो इसकी माइनिंग है वो रोक दी जाएगी। अगर माइनिंग चलती रहेगी तो पाई नेटवर्क का जो वैल्यूएशन है वो हमें खास देखने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से हर महीने 2023 के आप जनवरी फरवरी से काउंट करोगे तो जो माइनिंग रेट है वो हर महीने डाउनफॉल में कम होता जा रहा है, कुछ ना कुछ परसेंट कम होता जा रहा है। जितना आप मान के चलो एक महीने में 10 पाई कॉइन्स को माइन कर रहे थे, अब जाके 7, 6 या 3 ऐसे करके आप पाई कॉइन्स को माइन कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये लिमिटेड अब बच रहा है। ये लिमिटेड होने के रीजंस भी बहुत अच्छे हैं। अगर ये कोई चीज़ भी लिमिटेड रहती है और उसकी डिमांड मार्केट में आएगी, तभी उसका ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से बिटकॉइन के साथ हुआ था, और जो हम प्राइस लेके चलें कि क्या प्राइस हो सकता है, तो बहुत सारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने पाई नेटवर्क के जो प्राइस को कंसिडर करते हुए बोला है कि पाई नेटवर्क का जो स्टार्टिंग प्राइस होगा $2-3 से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, $2-3 से स्टार्टिंग, मतलब जैसे आज मान लो लॉन्च हुआ $1-2, $2-3, इनसे ये स्टार्ट होगा, धीरे धीरे करके इसका प्राइस इंक्रीज करेगा। स्टार्टिंग के 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर, 3 दिन के अंदर अच्छा खासा प्राइस जा सकता है। मान के चलो $15-16-20-25 तक जा सकता है। ठीक है, ऐसे जा सकता है। और उसके बाद से जो इसके प्राइसेस बढ़ना शुरू होंगे, उस पर एक्सटर्नल फैक्टर, डायनेमिक चेंजेस, डिमांड एंड सप्लाई और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी। उसी हिसाब से इसका जो प्राइस है धीरे धीरे करके आपको इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये $40-50 कुछ ही दिनों के अंदर आ जाए, या कुछ ही महीनों के अंदर ये $100 भी हिट कर दे। बट इन स्टार्टिंग की स्टेज के अंदर ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि पाई नेटवर्क के जो यूज़र्स हैं पूरे ग्लोबल लेवल से हैं, और उसके साथ यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी यूजर्स हैं, पुराने यूजर्स भी हैं, नए यूजर्स भी अब आ रहे हैं, इसी वजह से इसके नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जो पुराने यूजर्स हैं उन्होंने अच्छा खासा पाई कॉइंस को माइन कर लिया है, या जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है कि पाई का फ्यूचर क्या है, तो वो नॉट्स को लगा के, मशीनों को लगा के अच्छा खासा और माइन कर पा रहे हैं। जितना आप महीने में माइन करोगे, साल में माइन करोगे, उतना वो एक दिन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो पाई को माइन कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि इसका वैल्यूएशन अच्छा खासा आएगा। ठीक है, और अभी जो चीज़ है रियलिटी क्या है, वो रियलिटी यही है कि अभी जो इसका मार्केट वॉल्यूम और सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, तब जाके एक अच्छा प्राइस आप सभी को देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के हम प्राइस की बात करें कि $200 मान लो उसका प्राइस है, और उसके मार्केट कैप की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, वो है नहीं। तो वो लॉजिकली देखा जाए तो वो फेक क्रिप्टो करेंसी है। और ऐसी क्रिप्टो करेंसीज कॉइन मार्केट कैप पे या आप सभी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखते रहते हो, जो स्टार्टिंग में आती है और आपको लगता है कि यार इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है, बट वो इनडायरेक्टली स्टार्टिंग के स्टेज में 3-6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर आप सभी के लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगी, बट उसके बाद वो कंपनी ऑटोमेटिकली या क्रिप्टो ऑटोमेटिकली भागेगी। वो पहले आपका विश्वास लेती है, और ऐसी क्रिप्टो करेंसी ज़्यादातर दुबई में भी बनती है, यूएसए में बनती है, इंडिया में बनती है, और वो बेसिकली करते क्या है कि आप सभी को स्टार्टिंग में एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या कैसे भी अट्रैक्ट कराते हैं अपने आपको कि हाँ हम इतना सारा प्रॉफिट दे रहे हैं, और लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी देते हैं। जो वहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हम पैसा बना सकते हैं, फिर बाद में हम पैसा नहीं बना सकते क्योंकि ये भागने वाला है। तो स्टार्टिंग में पैसा बना लेते हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पे पैसा बनाते हैं, फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे हम सबका ट्रस्ट बिल्ड होता है, और वो आपका ट्रस्ट बिल्ड कराते हैं। और जैसे ट्रस्ट आपका बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद से वो क्या करते हैं, आपका अच्छा खासा अमाउंट डिपॉजिट करा लेते हैं। फिर डिपॉजिट कराने के बाद एकदम से कंपनी भागती है। जिस तरीके से इंडिया के अंदर एक बिग बुल करके क्रिप्टो करेंसी थी, उसने भी किया था, और भी आउटसाइड कंट्रीज की जो क्रिप्टो करेंसीज है, यूएसए वगैरह की, उन्होंने भी किया था। ठीक है, और ऐसी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जो
$5,000-5,000 तक प्राइस गई है। नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी 5,000-5,000 तक प्राइस गई है। उससे बहुत सारे लोग करोड़पति भी बने हैं जिनको पता था कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। फॉर एग्जांपल आपको किसी क्रिप्टो के बारे में पता है और वो सोशल मीडिया पे उतना शेयर नहीं किया जा रहा, बट आपको पता है कि ये अभी लेटेस्ट आया है तो स्टार्टिंग में इसमें प्रॉफिट होगा, तो आप प्रॉफिट स्टार्टिंग में बना सकते हो शॉर्ट टर्म के अंदर, अच्छा पैसा लगा के अच्छा खासा प्राइस बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है कि यार अब ये लॉस कर सकता है तो वहाँ के बाद आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, बहुत कम वहाँ पे करोगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी होती है। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था कि किस तरीके से जिसके पास 200-300 पाई के कॉइन्स होंगे उन सभी की लाइफ बदल सकती है, तो यहाँ पे मैं रियल आप सभी को बताने वाला हूँ। देखो अभी क्या है, पाई एक नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी है जो फाइनेंस के अंदर काम करने वाली है, जिसके अंदर P2P आप सभी को एक स्पेशल देखने को मिलेगा जो कि ग्लोबल लेवल पे काम करेगा। आपको थर्ड पार्टी को किसी को भी कोई भी चार्जेस या कोई भी टैक्सेस वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा खासा पैसा बचेगा और आपका जो भी रेमिटेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल USA से इंडिया पैसा मंगाना होता है तो इसमें 2-3 दिन का प्रोसेस लगता है और आपको टैक्सेस भी अच्छे खासे देने पड़ते हैं और बैंक चार्जेस भी देने पड़ते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है, और इसमें टाइम भी लग रहा है, बट इसमें क्या होता है अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, पाई को फॉलो करते हो और ग्लोबल लेवल पे है, अगर USA में कोई पाइनियर है या आपका फ्रेंड है, आप इंडिया में हो, तो आप सिंपली उसके अकाउंट में पैसे भेज सकते हो, मतलब पाई भेज सकते हो और उसका सिंपली जो कन्वर्जन है, जैसे कि आप चाहो तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हो डॉलर में कन्वर्ट कर लो, अगर आप चाहते हो कि आपको उसको INR में कन्वर्ट करना है या किसी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करना है या आपको पाई में ही यूज़ करना है, तो आप हर तरीके से फ्री हो, हर तरीके से यूज़ कर सकते हो। इन सभी चीज़ों की जो स्टेटमेंट है ऑफिशियली पाई नेटवर्क ने भी दे रखी है। यहाँ पे हम इनकम सोर्स की बात करें तो एक आपको इनकम सोर्स देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी बंदा रिचेस्ट तभी बनता है जिसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम सोर्सेज होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बताएं तो पहले यहाँ पे P2P को लेके जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको लेके है, NFTs आप सभी को पता होगा नॉन फंजिबल टोकन, वहाँ से इनकम है। Web 3.0 एक अलग ही टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में अभी मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, जो क्रिप्टो वर्ल्ड में लोग हैं उन सभी को इसकी नॉलेज है और जो पाई के साथ भी जुड़े हुए हैं वो भी इन सभी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। मेटावर्स एक अलग टेक्नोलॉजी है, डाओ गेमिंग, ठीक है, ये सारी एक अलग टेक्नोलॉजी है जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आप सभी को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करके देगी। इसीलिए आप देख रहे होगे कि पाई नेटवर्क एक चीज़ पे काम नहीं कर रहा, पाई नेटवर्क बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है, जैसे ब्लॉकचेन्स पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है, नोट्स पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है। AI की हम बात करें, ChatGPT की बात करें, ऐसी ऑटोमेशन वाली चीज़ों पे भी काम कर रहा है, तो आप सभी इन सभी चीज़ों के बारे में सीख रहे हो। ठीक है, सीख भी रहे हो और पैसा ही बना रहे हो। अगर आपको NFT बनाना है तो आप NFT बना के बेच सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही 2-3 साल बीतेंगे उस टाइम तक आपके पास एक बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी और पाई नेटवर्क का उस टाइम पे फ्यूचर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि आप यूज़र बेस समझ सकते हो, सारे रियल यूज़र बेस है जो आप सब हम सब लोगों ने इस चीज़ को मतलब इतना अप्रिशिएट किया है। और एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो कोई भी क्रिप्टो ऐसी नहीं है जो इस लेवल पर एडवर्टाइजमेंट कर रही है, इस लेवल पर पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे किसी भी मतलब कंपनी को मान के चलो पाई नेटवर्क है, तो आप सोचोगे कि यार ये एकदम से पैसा कैसे कमा रही होगी या कैसे मान के चलो ये फ्रॉड भी करेगी तो कैसे फ्रॉड कर सकती है या प्रॉफिट बनाएगी तो कैसे प्रॉफिट बना सकती है। दोनों फैक्टर्स हैं यहाँ पे। तो पहले हम बात करते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कैसे पैसा बना रही है। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर ये पाई ब्राउज़र को यूज़ करके जो एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे आप देख रहे हो ना, उस एडवर्टाइजमेंट से पैसा बना रही है और अच्छा खासा पैसा बना रही है। बट वो अच्छा खासा पैसा एक तरीके से ख़त्म भी हो जा रहा है, जैसे कि आपकी मान लो KYC करवानी है या नोट्स को लेकर काम करना है, ब्लॉकचेन्स को लेकर काम करना है, एप्लीकेशंस क्रिएट करवानी है, तो ये सारी चीज़ें फ्री में तो नहीं होंगी। जो भी डेवलपर्स वहाँ पे काम करने आएंगे, जो भी एम्प्लॉइज़ वहाँ पे काम करने आएंगे, कोई बंदा ऐसा तो है नहीं कि बस सिंपथी के लिए नॉर्मली फ्रीली टू वर्क करके आएगा, वहाँ पे जाकर उसको सैलरी चाहिए, तो सैलरी इसी से दी जा रही है। तो मतलब अभी मोटा मोटी जहाँ तक मुझे कैलकुलेशन लग रही है कि वो कमा पा रहे होंगे, बट उतना नहीं कमा पा रहे होंगे क्योंकि वो सारी चीज़ों पे बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन बनवा रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तो पैसा उतना नहीं बना रहे जैसे कि आप सभी समझ पा रहे हो। जैसे वो ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी ना, उसके बाद एक्चुअल पैसा बनेगा कैसे, जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन की हम बात करें तो 8 बिलियन से ऊपर की वर्ल्ड पॉपुलेशन है और सभी लोग धीरे धीरे करके अब क्या कर रहे हैं ना, मतलब जो मैक्सिमम मैच्योर लोग हैं या जो यंगर्स भी हैं वो अब क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं और क्रिप्टो के अंदर और अलग अलग चीज़ों पर। तो अभी 5 करोड़ के आसपास एक्टिव यूजर्स हैं, जैसे ही ये लॉन्च होता है 6 करोड़ के आसपास के इसके एक्टिव यूजर्स हो जाएंगे और उसके बाद से इसकी माइनिंग रुक जाएगी। तो जितने भी आपके पास कॉइन्स होने वाले हैं ना, जितने भी लोगों आपके पास जितने भी कॉइन्स होने वाले हैं और ये जब मार्केट के अंदर अच्छे सर्कुलेट हो जाएगा, अच्छे से इसकी टेक्नोलॉजी चलने लगेगी, तो लोगों को पता चलेगा कि यार ये एक बेस्ट मेथड है जिसमें हम अपना पैसा लगा सकते हैं जो फ्यूचर में हमें इनकम देगा और इसके थ्रू हम NFT मेटावर्स इन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, इन सभी चीज़ों के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अब क्या करेंगे, लोग आना शुरू करेंगे तो करोड़ों में लोग आना शुरू करेंगे क्योंकि उस टाइम तक उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। जिस तरीके से बिटकॉइन जब स्टार्टिंग में माइन करना टफ था, बट वो जब लॉन्च हुआ तो बहुत ही कम पैसों में लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पे आप माइन नहीं कर सकते, बट आप
बहुत कम पैसों में खरीद सकते थे, बट उस टाइम पे हमें नॉलेज नहीं थी, हमें पता नहीं था उस चीज़ के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में। जिसने बाय किया था वो आज के डेट में बहुत करोड़पति है, जिसने बाय नहीं किया था और जिसने बाय करके भी माइन करके भी बेच दिया, जैसे कि आपको पता होगा 10,000 बिटकॉइंस एक बंदे ने बेच दिया था सिर्फ पिज्ज़ा खाने के लिए और वो मैकडोनल्ड्स को बाहर चले गया था। आप खुद सोचो यार, एक बिटकॉइन का प्राइस 2021 के अंदर 55 लाख रुपये गया था और सिर्फ 2 बिटकॉइन का प्राइस 1 करोड़ से ऊपर का था, उस बंदे के पास 10,000 बिटकॉइंस थे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। तो ये जो अलग अलग फैक्टर्स हैं ना, ये आपको स्किल्स देंगी, नॉलेज देंगी। अगर इसके पास आपके पास स्किल्स नॉलेज होगी तो आप बहुत अच्छा पैसा बना पाओगे और ओवरऑल जब ओपन माइंड आएगा तो उसके बाद भी आपको इसका वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। सो ये थी पूरी कहानी, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक है तो आप इसके साथ जुड़ सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास है तो आप वहाँ पे स्विच कर लो। क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ानी है और आपकी इनकम बढ़ानी है फ्यूचर के लिए, तो आप सभी वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, कोई फोर्सेबल नहीं है। बट सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। सो आज के लिए इतना ही, रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।